अब फिल्टर में हम सीखेंगे लिक्विफाई। लिक्विफाई के अंदर सबसे पहला टूल है यहाँ पे फॉरवर्ड वार्प टूल। इसे किसी भी चीज़ को, किसी भी पिक्सल्स को आप खींच सकते हैं। जैसे कि ये जो पिक्सल्स है इसको मैं थोड़ा खींच रहा हूँ, इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से। अगर यहाँ पे स्प्रेड करना है इसके पिक्सल्स को, तो इस टूल से आप किसी भी इमेज के पिक्सल्स को स्प्रेड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट टूल, मतलब कि अपने फॉरवर्ड वार्प टूल से यहाँ पे कुछ भी किया है, ऐसे कि ऐसा कुछ कर देते हैं हम, ये पूरा पिक्चर इस तरीके से बिगड़ गया है, उसका पूरा पिक्सल्स जो है वो स्ट्रेच कर दिया है, इसको पूरा नॉर्मल करना है वापस, तो हम रिकंस्ट्रक्ट टूल का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आता है पुकर टूल। पुकर टूल क्या करेगा, किसी भी एक पॉइंट पे बाकी के सारे जितने भी पिक्सल्स होते हैं उसको खींचेगा, एग्जैक्टली लाइक मैग्नेटिक की तरह सबको वो खींचेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए आजू बाजू के जितने भी पिक्सल्स हैं वो किसी भी एक पॉइंट पे आप उसको खींच सकते हैं। ये उसका उल्टा है, बोल्ट टूल। देखिए इस तरीके से जो भी पिक्सल्स है उसको आप बड़ा धकेल सकते हैं। उसके बाद आता है पुश लेफ्ट, इस तरह कैसे आप किसी भी पिक्सल्स को थोड़ा लेफ्ट में इस तरीके से पुश कर सकते हैं। देखिए पिक्सल्स लेफ्ट में बाहर जा रहे हैं, पुश हो रहे हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल अपना हैंड टूल है और जूम इन जूम आउट है। इसके बाद फिल्टर में आता है ब्लर। ब्लर में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एवरेज पूरा ब्लर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लर करेगा, ये नॉर्मल ब्लर है। देखिए यहाँ से जाके ब्लर मोर कर देते हैं, थोड़ा और ब्लर होगा। बॉक्स ब्लर, यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इमेज को ब्लर कर सकते हैं। ब्लर में उसके बाद यहाँ पे आता है गोशियन ब्लर, ये भी एक ब्लर का टाइप ही है। इस तरीके से आप इमेज को पूरा अगर ब्लर करना चाहते हो, नॉर्मली ब्लर का यूज़ कब होता है कि जब इमेज जो है वो लो रिजोल्यूशन है और आपको कहीं बड़े साइज में इसको प्रिंट करना है या किसी बड़े साइज में इसको यूज़ करना है, तो नॉर्मली थोड़ा बहुत ब्लर कर दिया जाता है, ब्लर या फिर ब्लर मोर कर दिया जाता है। इससे ये होता है कि जो पिक्सल कम होने के कारण पिक्चर जो फटती है ना वो फटती नहीं है, उसकी जगह पर वो पिक्चर थोड़ी ब्लर दिख जाती है, सो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर ब्लर करना नहीं चाहिए, अगर हाई रिजोल्यूशन वाला इमेज है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद ब्लर में लेंस ब्लर भी दिया हुआ है, इससे यहाँ पे आप रेडियस बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली इसका एक और यूज़ है
कि अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें कोई एक प्रोडक्ट आपको हाईलाइट करना है और बाकी सारे प्रोडक्ट आपको हाईलाइट नहीं करने हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट आपको हाईलाइट करने हैं उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको आप सिलेक्ट करके ब्लर कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपको जो प्रोडक्ट का हाईलाइट करना है वो बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। इवन वेडिंग एल्बम में भी इसका यूज़ होता है। वेडिंग एल्बम में इसका क्या यूज़ होता है कि नॉर्मली अगर आपको जो ग्रूम और ब्राइड है उन दोनों को अच्छे से हाईलाइट करने हैं, या तो फिर ब्राइड की ज्वेलरी आपको हाईलाइट करनी है, तो ऐसी जगह पे हम लोग ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। ब्लर में आप जो भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, दो सब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो डिपेंड होता है कि किस तरीके का इमेज है और किस तरीके की इमेज के ऊपर आपको ये इफ़ेक्ट डालना है। जैसे कि ये मोशन ब्लर है, ऐसे कुछ मुझे इफेक्ट दिखाना है कि ये जो कार है एकदम स्पीड में जा रही है, तो मैं ज़्यादा इसका यूज़ करूँगा। देखिए जब स्पीड में जाती है चीज़ें तो बाहर की चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से दिखती हैं। देखिए इस तरीके से दिखाना पड़ता है, तो डेट इज़ कॉल्ड मोशन ब्लर। ब्लर में और भी ऑप्शन है, जैसे कि रेडियल ब्लर है, पूरा इसका अमाउंट बढ़ा दीजिए, यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए इस तरीके से राउंड में ब्लर हो जाएगा, राउंड पूरा पैचेस के बन रहा है। यहाँ पे जाके शेप ब्लर, इसे जिगजैग ब्लर करना है, शेप ब्लर करना है। यहाँ पे जो भी शेप दिया गया है उस शेप में आपका पर्टिकुलर ब्लरिंग दिखेगा। देखिए इस तरीके से जो मैंने अभी शेप सिलेक्ट किया था उस तरीके से ये ब्लर हो चुका है। उसके बाद ब्लर के अंदर आता है स्मार्ट ब्लर। देखिए स्मार्ट ब्लर क्या करेगा कि ये थोड़ा कम ब्लर करेगा लेकिन पिक्चर को ये थोड़ा क्लियर बनाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से इतना यहाँ से ब्लर हम बना देते हैं, इसको ओके करेंगे आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। देखिए ये जो लाइन है वो शार्प हो चुकी है, मतलब कि स्मार्ट ब्लर आपकी इमेज को थोड़ा शार्प बना देती है, थोड़ा क्लियर बना देती है। कंट्रोल जेड, ये ओरिजिनल इमेज है। उसके बाद ब्लर में आता है सरफेस ब्लर, वो भी कुछ स्मार्ट ब्लर जैसा ही काम करेगा लेकिन इसका इंटेंसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा स्मार्ट ब्लर से, स्मार्ट ब्लर का इंटेंसिटी कम रहता है इस तरीके से। अब इसका यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट ब्लर और सरफेस ब्लर दोनों आपको खराब पिक्चर है तो उसको थोड़ा ब्लर करके आपको बड़े साइज में दिखाना है तो उसके लिए बहुत यूज़ होता है। वैसे यहाँ पे एक ब्लर गैलरी भी दिया हुआ है। फिल ब्लर के अंदर देखिए इस तरीके का सर्कल आ रहा है। अब इसके अंदर यहाँ से ब्लर कम करने पर देखिए इसका ब्लर कम हो गया, और इस पॉइंट में ब्लर बढ़ाने पर देखिए ये ज़्यादा ब्लर हो गया। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से ब्लर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर में यहाँ पे आता है आयरिस ब्लर। देखिए ये राउंड के अंदर जितना पार्ट रहेगा उतना क्लियर रहेगा और बाकी का सारा पार्ट जो है वो ब्लर होता जाएगा। जैसे कि इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसका पार्ट आपको कम या ज़्यादा करना है। देखिए ये मैंने एकदम टच कर दिया तो एकदम ये सारा पार्ट जो है बाहर का पार्ट ठीक है वो पूरा ब्लर दिख रहा है और अंदर का पार्ट है वो पूरा क्लियर दिख रहा है, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे टिल शिफ्ट भी आता है, सेम वही है, वो रेडियल था ये लाइन में रहेगा।
पाथ ब्लर। अगेन आपको जिस तरीके से लाइन इसका ड्रॉ करेंगे उस तरीके से इसका ब्लर होता जाएगा। देखिए फिल्टर में ब्लर गैलरी के बाद आता है डिस्टॉर्ट, उसमें पिंच। पिंच के अंदर देखिए ये जो अमाउंट है वो जितना बढ़ाएंगे उतना बीच का जो मिडल पॉइंट है वो बाकी के सारे पिक्सल्स को खींचेगा, और जितना उल्टा करेंगे उतना वो दूर धकेलेगा। देन पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए इस तरीके से पूरा रेक्टेंगुलर इफेक्ट दे देता है। देन रिपल से कुछ रिपल इफेक्ट चाहिए इस तरीके से, तो इसका यूज करेंगे। शीहर, अगर आपको पूरा इस तरीके से इसको स्क्यू करना है अपने इमेज को तो आप शीहर का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है स्पेराइस, देखिए इस तरीके से अमाउंट कम करने पर अंदर खींचेगा, अमाउंट बढ़ाने पे ज़्यादा खींचेगा। ट्विरल, पूरा इस तरीके से राउंड इफेक्ट देगा इमेज को। वेव इफेक्ट देगा। वाटर इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से इमेज को इफेक्ट देना है तो इसका यूज होता है। जिगजैग अगर इफेक्ट देना है तो यहाँ से आप जिगजैग भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। जो वेव्स होते हैं पानी में तो उसमें जो इफेक्ट होता है वैसा ही कुछ यहाँ पे इफेक्ट है। डिस्टॉर्ट के बाद आता है नॉइस, ऐसा डॉटेड इफेक्ट डाल देगा ये। नॉइस बढ़ाने पे देखिए इस तरीके से गॉशियन करेंगे तो बहुत ज़्यादा डॉट्स ऐड हो जाएंगे। यूनिफॉर्म में कम डॉट रहते हैं।